आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेरने कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में भाजपा द्वारा चुनावी आरोप पत्र का प्रचार कर सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेरने कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में भाजपा द्वारा चुनावी आरोप पत्र का प्रचार कर सभी जिलों में प्रेस वार्ता लेकर अपनी बात की जा रही है। इसी के तहत भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार की सीरीज चलाने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने सोमवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता में खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार अभी पूरा सामने नहीं आया है, वह तो जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आएगी और भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाएगी तब भ्रष्टाचार का पूरा आंकड़ा और सच सामने आएगा। वही प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 9 वर्षों की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए साकार बताया। उन्होंने कहा, प्रदेश की भूपेश सरकार की छोटी आबादी की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य को आधारशिला रखने वाला चुनाव होंगे। इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस ने घपले घोटाले करके और छत्तीसगढ़ को एक परिवार का ATM बनाकर विकास के मार्ग से भटका दिया है। अब छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाले करने वाली भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता तय करने वाली भाजपा की सरकार। प्रेस वार्ता के दौरान इस संबंध में मीडिया को अपनी जानकारी दी। नजदीक नजदीक के लोग सब जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा बताओ कि कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं, इस प्रदेश में तो बहुत अधिकारी हैं, तो CM के ही आसपास वाले अधिकारी क्यों जा रहे हैं? और भी प्रमाणित होते जा रहे हैं, जो उनके दाएं बाएं रहते हैं वही क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो बाकी विधायक भी है ना, यहाँ अरुण बोरा हैं, बाकी हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं? CM साहब ही क्यों इतना छटपटा रहे हैं? CM सेक्रेटरीट के लोग जा रहे हैं। आरोप पत्र में CM को देखो, समझो उसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य आप सब निकालो, CM में दाग है आतंक। आपके यहाँ आपके बिरादरी के एक व्यक्ति को चरस गांजा उसके आधार पर उठा के जेल भेज दिया क्योंकि उसने सच्चाई छापा, ये है आतंक। बिजली बिल हाफ करते में पहले उन्होंने बिल बढ़ाया है और बढ़ा के हाफ किया है। दूसरा, कई जगह बिजली ही अभी नहीं मिल रही है, बिजली के उत्पादन में कमी आई है। तीसरा, जहाँ तक बेरोजगारी भत्ता है, वो बेरोजगारों का 14,700 करोड़ खा गए हैं। रही बात किसानों का बोनस, उन्होंने वादा किया था कि 2017-18 का बोनस, 15-16 का बोनस देंगे, जो नहीं दिया, 2 साल का बकाया बोनस वो नहीं दिया। तीसरा, MSP के समानुपात में जो बोनस मिलना चाहिए था, जब 1700 रुपया MSP था तब 2500 रुपया इन्होंने कहा था, तो लगभग उस समय का डिफरेंस 750 रुपये था। आज जब 2200 रुपया हमारा MSP हो गया है तो 2950 रुपया इनका बनता है, पहले वो देना चाहिए। तो MSP के समानुपातिक बढ़ोतरी ना करके किसानों के साथ धोखा किया है। खाद बीज में कमी, बारदाना, सिंचाई और बहुत सारे मामले में, तो किसान बर्मी खाद जो है ज़बरदस्ती नकली खाद दे रहे हैं, तब DAP और ये सब यूरिया मिलेगा, तो किसान इस बात को समझे। में भूपेश सरकार ने जो लूट मचाई है,
और जन घोषणा पत्र के ऊपर जो उन्होंने झूठ बोला है, उस लूट और झूठ की पूरा प्रमाणित दस्तावेज आरोप पत्र के रूप में पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनता को लोकार्पित किया है और 5 वर्षों में प्रदेश सरकार के कुकृत्यों से समाज का हर वर्ग आक्रोशित एवं निराश है और आने वाले समय में लोकतंत्र के चुनावी महापर्व में वे इनके झूठ और लूट दोनों का जवाब देगी। भूपेश सरकार 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को तितर बितर कर दिया, जो पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने एक विकास का स्वर्णिम कालखंड जो था, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट तक लाए गए, और वर्तमान में वो सारी चीज़ें खराब करके रख दी, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों को कर्जदार बना दिया। आज लगभग 28,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्ज हो चुका है। तो ये सारे चीज़ों का इस आरोप पत्र में उल्लेख। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।